नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा पुरा। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में बहुत से लोगों को जैसे जी मचलना, उल्टी होना, पेट में मरोड़ का उठना, लूज मोशन होना, या जिसे हम दस्त लगना भी कहते हैं, कि समस्याएं होना एक आम बात है। दोस्तों, इस समस्या के कारण व्यक्ति के शरीर में पानी की कमी और शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है, जिस कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, यह समस्याएं ऐसी समस्या है जो कभी भी किसी को किसी भी उम्र में हो सकती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मंडूकासन। इसे करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे स्टाफ पोज में ऐसे बैठ जाते हैं, कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखते हैं। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं, लेफ्ट पैर को भी नीज से ऐसे बेंड कर लेते हैं, ऐसे वज्रासना की पोजिशन पर बैठ जाते हैं। आपने अपने दोनों आपके पैर के दोनों अंगूठे एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हो और आपने दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में ऐसे बैठ जाते हैं। इस मंडूकासन की हम फर्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठाते हैं और धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखना है, या फिर आप अपनी ठोड़ी को ऐसे अपनी जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही मंडूकासन फर्स्ट की पोजीशन पर रहें। इस अभ्यास को करने से हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं। श्वास को रोक कर रखें या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग, धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम मंडूकासन सेकंड को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही वज्रासना पर आपने बैठ जाना है। ऐसे अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लेनी है, अंगूठा अंदर की तरफ रहेगा। फिर इसके बाद आपने अपने मुट्ठी के बीच वाले छिद्र को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रखते हैं। ऐसे दोनों मुट्ठियों के बीच वाले छिद्र को अपने नाभि केंद्र के पास ऐसे रख लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और ऐसे सीधे देखना है। अगर आप बिगनर हैं तो स्टार्टिंग में इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस करें, इतना ही झुककर प्रैक्टिस करें, या फिर अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर भी स्पर्श कराते हुए इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करोगे तो आपको पहले दिन में ही फर्क महसूस होगा। ये इसे करने से जिन लोगों को बार बार दस्त लगने की समस्या होती है, या पेट में दर्द, मरोड़, जी मचलना, उल्टी होना की समस्या से जो लोग ग्रसित रहते हैं, उनके लिए यह मंडूकासन की यह वेरिएशन बहुत ही लाभकारी है। इसे करने से खूनी दस्त, नसों की कमजोरी जैसे समस्त विकार दूर होते हैं। यह डायबिटीज, मधुमेह के रोगियों के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। 30 सेकंड फिर 2 मिनट ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। भी धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मंडूकासन को आप 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। इस समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे, काष्ठ तक्षणासन का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, इस अभ्यास को करते ही आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है और आपका शरीर चुस्ती और स्फूर्ति से भर जाता है। ऐसे ही आपने सबसे पहले ऐसे कालासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथ की कोहनियों को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इस अभ्यास को आपने लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस करना है। जब आप अपने हाथों को ऐसे ऊपर को ले जाएंगे तो आपने श्वास को अंदर भरना होता है। आपके दोनों बाजू ऐसे कान के पास सटे हुए हों और श्वास छोड़ते हुए आपने अपने सिर को ऐसे नीचे को झुकाना है। जब आप इस अभ्यास को करोगे तो आपने मुंह से हा की आवाज निकालनी है। इस अभ्यास को एक बार प्रैक्टिस कर ले। ऐसे ही कागासन की पोजीशन पर बैठकर आपने श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं। आप 2 से 5 मिनट नित्य प्रति अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।
दोस्तों जी मचलना, उल्टी होना, पेट में मरोड़, खूनी दस्त का होना, नसों में कमजोरी जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे पादांग गुच्छा नासा स्पर्शासन। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाते हैं। फिर सबसे पहले आपने इस अभ्यास को राइट और पहले पैर बदल कर प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने अपने राइट पैर को ऐसे उठाकर ऐसे ऊपर को उठाना है और हाथ की दो अंगुलियों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं और फिर ऐसे धीरे धीरे अपने पैर को ऐसे आगे को लाने की कोशिश कीजिए। अगर आप बिगनर हैं तो ऐसे स्टार्टिंग में इस अभ्यास को ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, घुटने से मुड़ने न पाए। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी श्वास अंदर भरनी होती है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे अपने नासिका को ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नासिका पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। 30 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर को उठाते हैं, हाथ की दो उंगलियों से अपने पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने अंगूठे को ऐसे अपने नाक पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। दोस्तों इस अभ्यास को करने से हमारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है और यह हमारे डाइजेशन से जुड़े सभी विकारों को दूर करने का सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही अभ्यास को आप पैर बदलकर 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाते हैं दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने दोनों हाथ की अंगूठों से ऐसे पैर के अंगूठों को ऐसे पकड़ लेते हैं, लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को अपने पैर के अंगूठों को ऐसे नाक पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। दोस्तों यह अभ्यास जिन लोगों को पेट में मरोड़ उठना, खूनी दस्त का होना या लूज मोशन की समस्या रहती है उनके लिए यह पादांग गुच्छा नासा स्पर्शासन बहुत ही लाभकारी अभ्यास है। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही सभी अभ्यास को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए।